इजहार हो गया है, इकरार हो गया है, तो शादी के बंधन में क्यों नहीं है बंधे। जब एक दूजे से करते हैं बेइंतहा प्यार, प्यार को स्वीकार भी कर चुके हैं, तो अब तक दुल्हा दुल्हन क्यों नहीं है बने। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वी आर वॉचिंग नेक्स्ट 9 न्यूज हेयर। आई एम मेघा एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम, जहां वी विल टॉक अबाउट द लव बर्ड्स ऑफ बी टाउन, द पॉपुलर लव बर्ड्स ऑफ बी टाउन, मलाइका अरोड़ा एंड अर्जुन कपूर। एज यू ऑल नो, अर्जुन और मलाइका आज की तारीख में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मलाइका इतनी अच्छी डांसर है, अर्जुन कपूर इतने बेहतरीन एक्टर हैं, और जब एक्टिंग और डांसिंग साथ मिली तो बन गया परफेक्ट कपल, पावर कपल। इन दोनों को लेकर कई तरह की खबरें हम सुनते रहते हैं, कभी इनके प्यार को लेकर, प्यार के इजहार को लेकर, प्यार के इकरार को लेकर, कभी एज अ बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर का प्रोटेक्टिव वाला रवैया देखकर तो हर किसी का दिल तो अर्जुन और मलाइका जीत ही चुके हैं। बट द थिंग इज, शादी क्यों नहीं की। याद ही होगा आपको, अप्रैल के महीने में खबर आई थी कि 19 अप्रैल को दोनों शादी कर लेंगे। 19 अप्रैल के बाद आज गाइस 27 अगस्त हो चुकी है, क्यों नहीं हुई है अर्जुन और मलाइका की शादी। क्या है वो परेशानियां जो इन दोनों को शादी करने से रोक रही हैं? तो आपको बता दे, प्यार को वैसे भी इतनी आसानी से मंजिल कहाँ मिलती है। एग्जाम देने पड़ते हैं, इम्तहान देने पड़ते हैं, परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो फिलहाल अर्जुन और मलाइका ऐसी ही परेशानियों से होकर गुजर रही हैं। वो 5 वजह जो सलमान खान से लेकर बोनी कपूर तक के साथ जुड़ी हैं, यानी अर्जुन और मलाइका की शादी क्यों नहीं हुई। जब इनके रीजंस पर चर्चा होती है, सलमान खान से लेकर बोनी कपूर तक, बोनी कपूर से लेकर अंशुला और सोनम कपूर तक, इन सबके नाम सामने आते हैं रुकावटों के तौर पर। आखिर क्यों इन्हें बताया जा रहा है रीजन अर्जुन और मलाइका की शादी ना होने का। क्या वाकई ये सब बैरियर बन चुके हैं अर्जुन मलाइका के मिलन में? ये तमाम जानकारियां आपको देंगे विद अ वेरी स्पेशल रिपोर्ट ऑफ अस, टेक अ लुक। प्यार जब होता है कुछ नहीं देखता, मजहब, उम्र और जाति की दीवारें तो नजर ही नहीं आती। ऐसा ही प्यार हुआ अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा को एक दूजे के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, अर्जुन और मलाइका एक दूजे को डेट कर रहे हैं, ऑफिशियली अब शादी को लेकर बातें करते हैं, अपने प्लान्स बताते हैं फॉर द फ्यूचर। और इन सबके बीच में हम आपको बताएंगे कि आखिर 5 वो कौन सी बड़ी वजह है जिनकी वजह से अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा ने शादी नहीं की। वो 5 बड़े रीजंस जिसके बाद अर्जुन और मलाइका ने अब तक अपने रिश्ते को शादी के बंधन में नहीं बांधा है। सबसे पहली वजह, अर्जुन और मलाइका के बीच का एज डिफरेंस। जैसा कि आप सब जानते हैं, मलाइका अरोड़ा 45 साल की हैं, अर्जुन कपूर 33 साल के हैं, यानी मलाइका अर्जुन से 12 साल बड़ी हैं। और कहा जाता है कि ये एज डिफरेंस ही है जिसकी वजह से अर्जुन अब तक अपने रिश्ते को लेकर एश्योर नहीं हुए हैं। ये दावा किया जाता है कि अर्जुन ने मलाइका से शादी अब तक इसलिए नहीं की है क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर अब तक बहुत ज्यादा एश्योर नहीं है। दूसरी बड़ी वजह यहाँ पर काफी ज्यादा खास है क्योंकि ये वजह अर्जुन कपूर के परिवार से जुड़ी है। कहा जाता है कि अर्जुन के पिता बोनी कपूर मलाइका अरोड़ा के साथ अपने बेटे की शादी नहीं करवाना चाहते। इतना ही नहीं, बल्कि एक वक्त पर ये दावा भी किया गया था कि बोनी कपूर ने अर्जुन कपूर को मलाइका से दूर रहने की नसीहत साफ तौर पर दे दी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि अर्जुन और मलाइका, इन दोनों को अलग किया है किसी और ने नहीं, बल्कि पापा बोनी कपूर ने, क्योंकि बोनी नहीं चाहते मलाइका उनके घर की बहू बने, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के साथ बोनी कपूर के रिश्ते काफी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। तीसरी वजह है अर्जुन कपूर की बहनें। दरअसल अर्जुन कपूर अपनी बहनों के दिल के काफी ज्यादा करीब हैं, और इसी को लेकर ये खबर कई वेबसाइट्स में सामने आ चुकी है कि अंशुला और सोनम कपूर दोनों को ही भाभी के रूप में मलाइका अरोड़ा खान पसंद नहीं है। अंशुला और सोनम, इन दोनों को ही अर्जुन और मलाइका का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। चौथी बड़ी वजह, यहाँ सलमान खान बनकर सामने आते हैं। दरअसल सलमान खान के साथ बोनी कपूर नो एंट्री में एंट्री और वांटेड 2, ये दोनों फिल्में करना चाह रहे थे,
लेकिन मलाइका और अर्जुन के रिश्ते की वजह से सलमान खान ने बोनी कपूर के साथ ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स करने से मना कर दिया। सलमान खान ने पहले ही कह दिया था अर्जुन कपूर को मलाइका भाभी से दूर रहने के लिए, लेकिन जब अर्जुन कपूर ने सलमान खान की वार्निंग नहीं मानी, पापा बोनी भी अर्जुन को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो सलमान खान ने अपनी दबंगई दिखाते हुए वांटेड 2 और नो एंट्री में एंट्री, इन दोनों ही फिल्म से खुद को साइडलाइन कर लिया। और पांचवी सबसे बड़ी वजह के तार भी बोनी कपूर के साथ जुड़े हैं। दरअसल बीते दिनों खबर आई थी कि सलमान ने बोनी कपूर की अपने घर में एंट्री पर बैन लगा दिया है। कहा जा रहा था कि सलमान खान ने ये फैसला मलाइका और अर्जुन के रिश्ते की वजह से लिया। दरअसल अर्जुन कपूर पहले सलमान खान की बहन अर्पिता को डेट कर चुके हैं, और जब सलमान खान की एक्स भाभी मलाइका के साथ रिश्ते अर्जुन कपूर के बदल गए, दोनों की डेटिंग की खबरें सामने आने लगी तो सलमान खान को भाभी मलाइका का अर्जुन के साथ ये रिश्ता पसंद नहीं आया। इसी वजह से सलमान खान ने ये कदम गुस्से में उठाया और बोनी कपूर के साथ भी अपने संबंध यहीं पर रोक देने का फैसला कर लिया। यानी कुल मिलाकर कहा जाए, मलाइका और अर्जुन इनकी शादी जो 19 अप्रैल को होने वाली थी, 19 अप्रैल को शादी नहीं हुई। इनके लाखों फैंस का दिल टूटा, क्योंकि जहां एक तरफ इनके लव को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं प्यार हमेशा जीतना चाहिए, प्यार की हमेशा जीत होनी चाहिए, अर्जुन और मलाइका को शादी करनी चाहिए। लेकिन इनके क्रिटिसाइजर्स कहते हैं कि इन्हीं पांच वजह से मलाइका अर्जुन की दुल्हन नहीं बन पाई। इतना ही नहीं, बल्कि ये लोग तो ये दावा भी करते हैं कि मलाइका अर्जुन की दुल्हन कभी बन ही नहीं पाएंगी, क्योंकि पापा बोनी कपूर मलाइका अरोड़ा को एज अ डॉटर इन लॉ कभी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। अब क्या सही क्या गलत, कौन सच कौन झूठ, इन सब सवालों के जवाब तो आगे आने वाले वक्त पर ही मिल पाएंगे।